हरतालिका तीज के दिन जरूर करें ये काम, भगवान शंकर और माँ पार्वती की मिलेगी कृपा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जैसा कि भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है, इस साल हरतालिका तीज का व्रत मंगलवार यानी कि 30 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पति की दीर्घायु की कामना के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ कुछ चीजों का दान किया जाए तो कृपा जमकर बरसती है, घर में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। नंबर एक, हरतालिका तीज व्रत के दिन गुड़ का दान काफी खास माना गया है। इस दिन गुड़ के दान से महिलाओं को उत्तम फल मिलता है। इसके साथ ही जिन महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता है उनको भी काफी लाभ मिलता है। नंबर दो, महिलाओं के लिए ये व्रत काफ़ी मायने रखता है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कठिन होने के बाद भी महिलाएं इसको रखती हैं। इस दिन अगर महिलाएं मंदिरों में जाकर फल का दान करें तो कहते हैं कि घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर तीन, गेहूं और जौ की तरह चावल का दान भी बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि अगर व्रती महिलाएँ हरतालिका तीज पर चावल का दान करें तो शुक्र दोष से मुक्ति मिलती है, घर में बरकत आती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर चार, वस्त्र दान करने से भगवान शंकर और माँ पार्वती काफ़ी खुश होती हैं। ऐसा करने से महिलाओं को सौभाग्यशाली होने का वरदान मिलता है। ऐसे में हरतालिका तीज के दिन किसी ब्राह्मण महिला या गरीबों को वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। नंबर पाँच, मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज के दिन के गेहूं का दान काफ़ी शुभ माना गया है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को गेहूँ दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गेहूँ की जगह आटा भी दान किया जा सकता है। आपको बता दें, यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।